Hi friends, I am Chinmay Kumar Raut. Welcome to our channel Explore Education. Hi friends, मैं तुमको आज बताने जाऊंगा एक टॉपिक जो कस्टम ड्यूटी को किसी तरह कलेक्शन कर जाते हैं और किसी तरह हम उसको लेवी करते हैं. लेवी का मतलब है किसी डिपार्टमेंट से हम कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करते हैं. वो दिस इज द सेकेंड और अदर पार्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी. वो कस्टम ड्यूटी की दूसरी पार्ट है. देन हम कंटेंट्स पर नज़र पकाएंगे. कंटेंट्स क्या है ना, फर्स्ट है लेवी टू कस्टम ड्यूटी. किसी सोर्स से हम कस्टम ड्यूटी चार्जेस करते हैं एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी. किसी तरह हम कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट करते हैं वो दूसरी पार्ट है. फर्स्ट हम कस्टम ड्यूटी क्या है उसको हम बताएंगे. कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि वो एक प्रकार की चार्जेस है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर में, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में हम जो टैक्स चार्ज होता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. इंपोर्ट मीन्स व्हाट कम्स इन इंडिया. जो इंडिया को आता है, जो गुड्स इंडिया को आता है, लाइक एयरवेज वाटरवेज लैंडवेज, उसको हम इंपोर्ट चार्जेस कहते हैं. जो गुड्स अनदर कंट्री से इंडिया को आता है उसके लिए जो चार्ज होता है, जो टैक्स और चार्जेस चार्ज होता है उसको हम इंपोर्ट टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं. लेकिन जो गुड्स इंडिया से बाहर कंट्री को जाता है, दूसरी कंट्री को जाता है, इसके लिए जो टैक्स और चार्ज लगता है उसको हम एक्सपोर्ट चार्जेस बोलते हैं. देन उसको हम वो दूसरी टैक्स को मिलाकर कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. देन हम डिस्कस करेंगे कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ लेवी ऑफ ड्यूटीज, जो कि हम किसी क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, किसी तरह गुड्स और किसी तरह वेज में हम कस्टम ड्यूटी को चार्ज करते हैं. इसमें लिखा है कि सेक्शन 12 ऑन द कस्टम एक्ट 1962 इज द चार्जिंग सेक्शन. That is clearly statement custom duties shall be levied on goods imported into India from a place outside India. Come goods exported of some other place outside India. जो कि goods को levied करते हैं imported sector में into India from the place of outside India. India के outside country से जो goods India को आता है उसको imported, जो goods India से बाहर country में जाता है उसको exported बोलते हैं. उसके लिए जो tax और charges charge होता है उसको custom duties कहते हैं. प्लीज लुक दिस शेड्यूल्स.
इसमें लिखा है कि कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड व्हेन टैक्सेबल इवेंट अराइजेस इन कस्टम्स, जो कस्टम्स से टैक्सेबल इवेंट से सम इवेंट्स आर देयर, जिस इवेंट से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड, उसको सिंपल वर्ड से लिखा है कि ए पॉइंट ऑफ लेवी कस्टम ड्यूटी शैल बी अराइजेस व्हेन द टैक्सेबल कम अराइजेस इन द कस्टम्स, देयरफॉर द अंडरस्टैंड व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटीज कैम इन वी नीड टू कंप्रेंड व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन कस्टम लॉ, जो कि कस्टम लॉ में लिखा है कि टैक्सेबल इवेंट से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो सर्कमस्टेंसेस में हम टैक्स को लेविड करते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ कस्टम ड्यूटी इज द पॉइंट व्हेन गुड्स एंटर और लीव इंडिया, इन द सिंपल वर्ड्स जो गुड्स इंडिया से बाहर कंट्री को जाता है और बाहर कंट्री से इंडिया को आता है, उसके लिए जो टैक्स चार्ज होता है उसको हम टैक्सेबल इवेंट में इंक्लूड करते हैं। गुड्स बिकेम लायबल टू कस्टम ड्यूटी व्हेन दे आर इज इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, उसका मीनिंग ये होता है जो कि इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट इन इंडिया। फर्स्ट देन हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन, एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 218। उसका मतलब है कि वो एक ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कंटेंट एंड ए कॉन्गेट कोग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स टॉकिंग आउट फ्रॉम आउट टू इंडिया टू प्ले प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया को गुड्स जाता है, फ्रॉम इंडिया इंडिया से बाहर कंट्री को गुड्स जाता है, देयर फॉर द टैक्सेबल इवेंट ऑफ एक्सपोर्ट व्हेन द गुड्स अक्रॉस द कस्टम फॉरटरीज ऑफ इंडिया, जो कि कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है इंडिया गवर्नमेंट है फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर। देन इम्पोर्ट अंडर सेक्शन 223, इसमें लिखा है कि विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स बिगनिंग फर्स्ट, जो इम्पोर्ट होता है इनटू इंडिया, बिगनिंग इनटू इंडिया, जो इंडिया को जो गुड्स आता है फ्रॉम ए प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया, देयर बाय द टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्ट्स इज व्हेन गुड्स एंटर द कस्टम्स फॉरटरीज ऑफ इंडिया, जो गुड्स इंडिया को आता है उसमें ज़्यादा टैक्स जड़ जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्ट सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ टू कलेक्ट द और टू लेवी द टैक्स। इम्पोर्ट सेक्टर में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट और लेवी होता है, नहीं एक्सपोर्ट सेक्टर में। वेयरहाउस गुड्स, उसका मीन्स होता है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट होकर इंडिया को आता है उसको उसके ओनर्स सैटिस्फाइंग डॉक्यूमेंट्स देखा कर ले जाता है, जिस समय से वो सैटिस्फेक्शन डॉक्यूमेंट्स और टैक्स नहीं देता गवर्नमेंट को, उसकी गुड्स को वेयरहाउस में स्टॉक करके रखा जाता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं पेड करता और उसकी डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड इन द गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन। द गुड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन वेयरहाउस, प्राइवेट और पब्लिक वेयरहाउस,
कंटिन्यू टू द कस्टम बॉन्ड्स, जो कि कस्टम की बॉन्ड है, कस्टम्स की बॉन्ड है, उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो टैक्स देने पड़ेगा, और फुलफिल हुआ तो गुड्स को तुम उठाकर ले जाएंगे। द टैक्सेबल इवेंट्स फॉर वेयरहाउस गुड्स व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द वेयरहाउसेस, दीज आर द पॉइंट्स अंडर टैक्सेबल इवेंट। देन हम डिस्कस करेंगे दूसरी टॉपिक क्या है कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में तुमको फर्स्ट बताया था कि जो कस्टम ड्यूटी होता है वो बेसिकली सी बेस को नज़र देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, इसलिए उसको ज़्यादा गुरुत्व दिया जाता है। फर्स्ट उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि टेरिटोरियल वाटर क्या है। टेरिटोरियल वाटर का एक मीनिंग इधर लिखा है, गुड्स एंटरिंग और गोइंग आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ द इंडिया शैल बी कट द कस्टम ड्यूटी। टेरिटोरियल वाटर क्या मतलब है कि जो हमारा इंडिया का जो हमारा कंट्री को जो सी जो वाटर ला कर रहता है समुद्र के अंदर 12 नेक्टाकुलर माइल्स, हमारा कंट्री से जो हमारा कंट्री का बीच है उसी तरफ उसी से 12 नेक्टाकुलर माइल्स के लिए जो वाटर है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। 1 नेक्टाकुलर माइल्स इज 1.538 किलोमीटर से है, जिसके लिए एवरेज 44 और 42 किलोमीटर्स आर इंक्लूड देयर, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, जो हमारा कंट्री का वाटर है उसका उसी वाटर पे हमारा देश का और हमारा कंट्री का अधिकार है, उसमें जो कर सके हमारा कंट्री जो कर सके कर सकता है। देन हम नज़र पकाएंगे उसमें लिखा है कि टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया एक्सटेंडेड टू 12 नेक्टाकुलर माइल्स, जो मैं बोल रहा था कि 12 नेक्टाकुलर माइल्स इन देयर आर इंक्लूड्स। टेरिटोरियल वाटर मीन्स द पर्सन ऑफ द सी व्हेन द एडजेसेंट टू द सोर्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सोर्स होता है, इंडिया का एसेट्स होता है, उसी टेरिटोरियल वाटर को इंडिया का एसेट्स बोलते हैं। इधर सेक्शन 3 में लिखा है कि टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंट सेल्फ एक्सक्लूसिवली एग्जामिन ऑफ द एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट 1976 स्पेसिफाइड दैट, उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। देन हम दूसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इधर लिखा है कि प्लीज लुक, इधर लिखा है 1 नेक्टाकुलर माइल्स इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। देन हम डिस्कस करेंगे इंडियन कस्टम वाटर क्या है। इंडियन कस्टम वाटर का मतलब है कि जो हमारा इंडिया का बिजनेस संबंध में जो वाटर को हम यूज करते हैं और हमारा देश का जो वाटर है उसको फास्ट फास्ट सुपन फास्ट
स्टेप को हम बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर और इंडियन टेरिटोरियल वाटर, एंड सेकंड पॉइंट पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिजियस वाटर, जो कि हमारा इंटरनेशनल वाटर से जोड़ता है। हम द इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर, जो हमारा देश का बीच से 12 नॉटिकल माइल्स है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। लेकिन जो टेरिटोरियल वाटर्स का बीच, जो टेरिटोरियल वाटर्स से और 12 नॉटिकल माइल्स लंबे ज़्यादा है, उसको हम इंडियन वो दो वाटर को मिलाकर हम बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर। इसमें लिखा है, प्लीज लुक, देयरफॉर फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देन इसमें लिखा है कि नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू कॉन्टिजियस वाटर ऑफ इंडिया, एंड इसमें एक शेड्यूल दिया है टेरिटोरियल वाटर्स आर कॉन्टिजियस वाटर, उसका जो फॉल हुआ उसको बोलते हैं कस्टम वाटर, जिसमें हम बिजनेस करते हैं जी बिजनेस करते हैं और उसको उसी वाटर से हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, उसको हम 12 नॉटिकल माइल्स नहीं बोलते, उसको हम 24 नॉटिकल माइल्स में बोल जोड़ते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कस्टम ड्यूटी क्या है, एंड कस्टम ड्यूटी किसी तरह हम कलेक्शन करते हैं। इट इज द ड्यूटी लेवीड ऑन द गुड्स, जो कि गुड्स के ऊपर से हम लेवी करते हैं, इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स से जो इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है जो गुड्स, उसी गुड्स के ऊपर से हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी क्या है? इट इज डन एट द पॉइंट ऑफ गुड्स एंटरिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ CTA कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन ऑल गुड्स, ऑल ओवर गुड्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पार्ट में साथ देता है, उसमें जो भाग लेता है उसको ऊपर से हम जो टैक्स चार्ज करते हैं उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। उसका सम पॉइंट्स इधर लिखा है, कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन गुड्स इंपोर्टेड, जो गुड्स इंपोर्टेड होता है उसके ऊपर जो चार्जेस होता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ए फ्यू गुड्स एक्सपोर्टेड, बेसिकली एक्सपोर्टेड में कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होता। इन सम केसेस इन फ्यू गुड्स कस्टम ड्यूटी इज चार्जेस, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट गुड्स एंड नॉन गवर्नमेंट गुड्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि वो गवर्नमेंट गुड्स है और वो गवर्नमेंट गुड्स नहीं है। सब गुड्स पर टैक्स कैलकुलेशन होता है और टैक्स को चार्ज कर जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन ऑल गुड्स, इंपोर्ट ड्यूटी को ऑल गुड्स पर लेवी करते हैं। ड्यूटी आर लेवीड एट रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जो ड्यूटीज को लेवी करते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर से उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। सम गुड्स आर इंक्लूड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन
22। इसमें अंदर आता है वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, स्टोर्स, बैगेज, नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, सेरेमोनी, एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज। दीज आर कवर अंडर गुड्स इंक्लूड्स। इसी गुड्स को भी कस्टम ड्यूटी देना जरूरी है। एंड देन इधर लिखा है गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स री इम्पोर्टेड। उसको री इम्पोर्टेड करते हैं जो गुड्स को इन इंडिया ओरिजिन, उसमें भी कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, उसमें भी कस्टम ड्यूटी लेवी होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन गुड्स डिरेलिक्ट विर्क फ्लोटसम जेटसम। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, जो कि हम कस्टम ड्यूटी में चार्ज करते हैं। वो था कस्टम ड्यूटी। किसी तरह की गुड्स को हम लेवी करते हैं, चार्ज करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटी, वो भी आता है सर्कमस्टेंस ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज, वो भी एक पॉइंट है। जो कि हमारा पावर है किधर से हम कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं। द पावर ऑफ लेवी कस्टम ड्यूटी इज यूनियन सब्जेक्ट्स एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिसीजन लिया जाता है कि उसका पावर है कि कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते। ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंक्लूड्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्लूड्स होता है। वो जो ड्यूटी है पावर का जो ड्यूटी है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में सफल होता है। इज मेंटेन्ड इन एंट्री, जो एंट्री होता है अनदर कंट्री का सिप, हमारा स्टेट को और हमारे स्टेट का जो सिप जाता है अनदर कंट्री को, उसके लिए जो चेक होता है और जो यूनियन लिस्ट में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं उसको सम पावर दिया जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। इट इज मेंटेन द एंट्री ऑफ 83 टू लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, जो कि 7th शेड्यूल में रिटन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटन है कि उसका पावर है, उसका हक है, वो चार्ज करते हैं कस्टम ड्यूटी इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स। सेक्शन 12 में लिखा है कि कस्टम एक्ट 1962 इज ऑफन कॉल्ड द चार्जिंग सेक्शन, वो चार्जिंग सेक्शन होता है दैट प्रोवाइड्स दैट ड्यूटीज ऑफ कस्टम सेल्स बी लेवल एट सच रेट्स एज आर स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग द फोर्स ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। उसमें भी उसी की जवाब से उत्तर आंसर दिया, जो कि सेक्शन 12 में लिखा है कि जो चार्जिंग सेक्शन होता है कस्टम ड्यूटी का, जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो दोनों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में एप्लीकेबल होता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज, जो कि हम कलेक्शन करते हैं कस्टम ड्यूटीज इन एनी अदर सोर्स, किसी किसी डिपार्टमेंट से हम कलेक्शन करते हैं कस्टम ड्यूटी को।
इधर लिखा है देयर इज ए प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कस्टम्स दैट चैनलाइज द डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम कलेक्टिंग द अराइवल रिपोर्ट्स टू कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स प्रॉपर चैनल वेयर इम्पोर्ट इज अलाउड टू टेक अवे द गुड्स सम डिपार्टमेंट्स फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन जो कि कलेक्शन होता है कस्टम ड्यूटी सम डिपार्टमेंट से फर्स्ट डिपार्टमेंट है इम्पोर्ट डिपार्टमेंट जो कि इम्पोर्ट के लिए काम करता है रिसीव्स द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो गुड्स को हम इम्पोर्ट में इम्पोर्ट सेक्टर में हम रिसीव करते हैं उसके लिए सम कस्टम ड्यूटी चार्ज होते हैं उसको कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी अंदर से आते हैं वो एक तरह की कलेक्शन है कस्टम ड्यूटी का अप्राइजिंग डिपार्टमेंट अप्रीजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट डन बाय इंपोर्टर इज वेरीफाइड अगेन बाय द ऑफिसर जो कि ऑफिसर का अंदर से वेरीफाई होता है इंपोर्टर का ऑल डॉक्यूमेंट्स को उसको अप्रीजल दिया जाता है वो भी कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी के अंदर से आता है डॉक एग्जामिनेशन सेंटर जो जिसी प्लेस में गुड्स को डक कर जाता है जिसी प्लेस में गुड्स लैंडिंग करते हैं उसके लिए भी सम चार्जेस है उसी सोर्स में कस्टम ड्यूटी भी चार्ज होता है कैश एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो कैश एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उसने भी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं जो कलेक्शन करते हैं कैश और अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो भी कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करते हैं प्रिवेंटेशन डिपार्टमेंट भी कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करते हैं ओवर ऑल सुपरविजन ओवर द कार्गो जो कि मूवमेंट ऑफ कार्गो में जो डिपार्टमेंट है सुपरवाइज क्षेत्र में जो डिपार्टमेंट है वो भी कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करने के लिए फिट है बॉन्ड डिपार्टमेंट जो कि बॉन्ड को चेक करते हैं जो डील्स करते हैं डील्स विद द गुड्स वेयरहाउस जो कि वेयरहाउस में गुड्स रहने के लिए जो डील्स होता है उसके लिए जो बॉन्ड्स जरूरी होता है उसी जो बॉन्ड्स डिपार्टमेंट है वो भी कस्टम ड्यूटी को कलेक्शन करते हैं वो था कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन एंड व्हिच प्लेस वी लेविड द कस्टम ड्यूटी मैं उसका डिटेल्स बताया देन हम एक न्यू दूसरी वीडियो में आएंगे उसी समय से हमको विदाई दे थैंक यू फॉर वॉचिंग टू आवर वीडियो एंड टू विजिट आवर चैनल